हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के डेली डोज के सेशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, एफएक्सेस इन रूट वर्ड की वही सीरीज जिसके 19 एपिसोड अभी तक आपके लिए डाले गए हैं और मैं समझता हूँ कि सारे के सारे एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी वोकैबलरी में अब उतनी ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं हो रही होगी जो इससे पहले आपने महसूस की है। बंधु, यहाँ पर मैं हमेशा कहूँगा कि वोकैबलरी सतत प्रयास करने की चीज़ है। आप अगर इसे रटेंगे तो उसका भूलना आपके लिए तय है, इसलिए बिल्कुल इसे रटने की कोशिश ना करें। मैं इसमें मौजूद रूट की चर्चा करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ कि वो रूट किसी भी शब्द में उपस्थित होने पर कौन सा मीनिंग देता है। तो वो रूट जिस किसी भी शब्द में अगर मौजूद है तो उसके दो चार मीनिंग में से कोई ना कोई एक मीनिंग कंटेक्स्ट के हिसाब से फिट बैठता है या फिर सेंस के आधार पर आप उस शब्द की मीनिंग का पता लगा सकते हैं। अभ्यास करते रहें, अभ्यास करने पर आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि आखिरकार रूट किसी भी वर्ड में किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है, दैट मींस कि वो मीनिंग किस आधार पर निर्धारित करने में मदद कर रहा है। आज मैं यहां पर फिर से एक नया रूट वर्ड लेकर के आया हूं और चलिए जल्दी से बिना देरी किए हुए देखते हैं कि ये रूट वर्ड अगर किसी शब्द में मौजूद है तो वो मीनिंग को किस प्रकार से निर्धारित करता है। चलिए देखा जाए। आज के लेशन में जो हमने रूट लिया है वो है एसी, एसीयू या ACR। जी हाँ, AC, ACU और ACR। अब यहाँ पर है कि अगर ये किसी शब्द में मौजूद है, जी हाँ, मैं AC की बात कर रहा हूँ, ACU और ACR तीनों का जो कलेक्टिव सेंस आएगा वो अनप्लीजेंट के सेंस में यूज हो सकता है, जी हाँ, कीन के सेंस में यूज हो सकता है, बेटर के सेंस में यूज हो सकता है और शार्प के सेंस में यूज हो सकता है। अब ये कंटेक्स्ट के हिसाब से हम मीनिंग एडजस्ट करेंगे। जी हाँ, जब भी हम इस रूट की मौजूदगी किसी शब्द में देखेंगे तो हम ये पहले से समझ जाएंगे कि या तो अनप्लीजेंट का सेंस वहां पर आएगा, जी हाँ, कीन यानी कि कुशाग्र, तीक्ष्ण, तेज होने के सेंस में आएगा, बिटर का मतलब भी वहां कड़वा से है, जी हाँ, और शार्प का मतलब भी तेज, धारदार, तीक्ष्ण और कभी कभी कड़वे से भी सेंस इसका आता है, जी हाँ। तो यहां पर जो AC, ACU और ACR रूट आज हमने लिया है, ये जो इसका सेंस आएगा वो कंटेक्स्ट के हिसाब से अनप्लीजेंट, कीन, बिटर या शार्प के सेंस में आएगा। जी हाँ, चलिए आज जो यहाँ पर हमने पहला वर्ड लिया है वो आपसे बहुत अच्छे से आप परिचित हैं आप उस वर्ड से, और वो है एसिड। जी हाँ, एसिड में आप देखिए कि ये रूट पहले से ही मौजूद है। जी हाँ, यहाँ AC पहले से मौजूद है और एसिड के नेचर को जानते हुए आप यहाँ पर बिटर कह सकते हैं, साप कह सकते हैं, जी हाँ, अनप्लीजेंट भी यूज हो सकता है इस संदर्भ में कि ऐसा लिक्विड जो बिटर हो, साप हो, स्मेल में भी और टेस्ट में भी, ऐसे इसका जो एक रूट है वो है एसिडस, जी हाँ, और इसका मतलब होता है बीसार। जब हम इसके टेस्ट की बात करते हैं इसमें खट्टापन होता है, जी हाँ, वेनेगर आप कह सकते हैं या फिर लेमन जूस कह सकते हैं, ऑरेंज जूस जो खट्टा है, ऑरेंज का जूस जिसमें कि खट्टापन हो, मैं उसकी बात कह रहा हूं। तो यहां पर देखिए कि एसिडस जो वर्ड है लैटिन ओरिजिन का, इसका मतलब है बीसार, और बिटर और शार्प ऐसा लिक्विड जो अगर स्वाद के आधार पर देखें तो उसमें खट्टा होना चाहिए, वो खट्टा होगा स्वाद में, या फिर ऐसा लिक्विड जो आपके स्किन को जला दे, तीक्ष्ण हो, जी हाँ, बिटर हो, तो ऐसे लिक्विड को हम एसिड कहते हैं। हिंदी में आप इसे अम्ल कहते हैं। तो सिंपल सी बात समझिए कि हम अगर उस चीज को नहीं भी समझते हैं कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं तो हम सिर्फ AC देख करके यहां ये समझ सकते हैं कि यहां इसका जो सेंस आएगा वो बिटर या शार्प के सेंस में आएगा, और ये एक प्रकार का लिक्विड है जो कि स्वाद में खट्टा और नेचर वाइज जलाने वाला, जी हाँ, कड़वा, अनप्लीजेंट होता है। जी हाँ, चलिए आज का जो हमने अगला लिया है वो है एसर्बिक। जी हाँ, एसर्बिक।
अब यहां देखिए कि एसोबिक में एक रूट है, ऐसे तो आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं कि एसी लगा हुआ है, तो एसी से आप समझ गए कि भाई बिटर, साफ या अनप्लीजेंट के सेंस में आएगा। यहां एसोबिक में जो एक वर्ड है वो है एसर्बस, जी हाँ, लैटिन ओरिजिन का वर्ड है एसर्बस, और इसका मतलब होता है हार्स, जी हाँ, या बिटर, हार्स या बिटर। अब देखिए कि ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, जी हाँ, एसर्बिक राइटिंग कह सकते हैं, मतलब ये है कि लिखने में, मैनर में कड़वा होना, तीखा होना, जी हाँ, रूखापन होना, उस चीज का जो हम यहां पर सेंस देंगे, तो आप एसर्बिक यूज कर सकते हैं। इसमें एक रूट है एसर्बस, लैटिन वर्ड है एसी रूट का, लैटिन वर्ड है एसर्बस जिसका मतलब होता है हार्स या बिटर। ये स्वाद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और आपके मैनर, चाहे वो लिखने या बोलने का हो, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आज का जो अगला वर्ड है वो है एग्जैसरबेट, जी उच्चारण में फंसेंगे नहीं, EXACERBATE, एग्जैसरबेट। और यहां पर सबसे पहले जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा वो है ATE, और इसको मैंने वर्ब सफिक्स बताने के दौरान बताया था कि अगर किसी भी शब्द के अंत में ATE मौजूद होता है तो आप आसानी से उसे ये समझ जाएंगे कि ये वर्ब होगा, ये जो शब्द है इसका मतलब है कि ये एक्शन वाला वर्ड है, जी हाँ, इसे हम वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर जो इसमें रूट है, ऐसे आपने यहां पर आसानी से ये जज कर लिया होगा कि एसी इसमें भी मौजूद है, इसका मतलब बिटर और हार्श से होगा, ऐसे इसमें भी वही लैटिन ओरिजिन का वर्ड है जो कि इससे पहले वाले वर्ड एसर्बिक में था एसर्बस, यहां पर भी वही है एसर्बस, और इसका मतलब होता है हार्श या बिटर के सेंस में इस्तेमाल होता है, जी हां। और यहां जो एक्स लगा हुआ है इसका मतलब होता है थोरोली, जी हां, मतलब पूरी तरह से, पूरे, थोरोली किसी को हार्स या बिटर कर देना, यानी कि बिगाड़ देना, गड़बड़ा देना, खराब कर देना, तीखा या रूखा कर देना, जी हां, बिगाड़ देने के सेंस में। तो इसका जो एग्जैसरबेट का सेंस होता है कि थोरोली हार्स या बिटर कर देना, इसको हम कहेंगे एग्जैसरबेट। चलिए यहां जो आज का अगला वर्ड हमने लिया है वो है एक्रिमोनी, जी हां, एक्रिमोनी। अब यहां पर देखिए कि आप यहां आसानी से इसमें समझ गए होंगे कि ए सी आर इसमें लगा हुआ है, जी हां, देखिए यहां पर ए सी आर लगा हुआ है, तो यहां सीधी सी बात है कि फिर से अनप्लीजेंट, कीन, बिटर या शार्प में से कोई ना कोई बात यहां पर होगी। ऐसे लैटिन ओरिजिन का एक वर्ड है एक्रिमोनिया, जी हां, एक्रिमोनिया। अब इसका मतलब होता है शार्पनेस या पंजेंट इन टेस्ट, जी हां, शार्पनेस या पंजेंट इन टेस्ट, यानी तीखा, करवा, कसैला, कटुता, तीक्ष्णता, इस सेंस में आप एक्रिमोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हां। किस सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तीक्ष्णता के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कटुता के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर धारदार के सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर एक वर्ड है एक्रिमोनिया जिसका मतलब होता है शार्पनेस, जी हाँ, शार्पनेस। तो देखिए ऐसे भी एक्रिमोनी का जो मतलब है इसमें ए सी आर एक्रिमोनी में यूज हुआ है रूट के तौर पर, तो ऐसे भी हमको यहां पर समझ में आ रहा है कि भाई शार्प का सेंस हो सकता है, बिटर का सेंस हो सकता है। ऐसे लैटिन ओरिजिन का एक वर्ड है एक्रिमोनिया जिससे ये डेवलप होकर के एक्रिमोनी बना हुआ है, और इसका मतलब है तीक्ष्णता, कटुता, धारदार, ये स्वाद में, व्यवहार में इस्तेमाल होता है। चलिए आज का जो हमने अगला रूट वर्ड लिया है वो है अक्यूट, जी हाँ। यहां पर देखिए कि आप आसानी से इसमें, सबसे पहले तो आज जो चर्चा में हमने रूट लिया है आप उसकी उपस्थिति यहां पर देख सकते हैं ACU, और लिटरली आपको यहां पर मीनिंग क्लियर हो गया होगा, कुछ ना कुछ बिटर, साफ या कीन से रिलेटेड या अनप्लेजेंट से रिलेटेड यहां पर होगा। ऐसे ये एक लैटिन ओरिजिन का वर्ड है अक्यूटस, जी हाँ, जिसका मतलब होता है निडल, जी हां, यानी शार्पनेस के सेंस में है, तो कुशाग्र, जी हां, तीक्ष्ण, तेज, धारदार, इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इस्तेमाल करते हैं अक्यूट,
पेन, जी हाँ दर्द के लिए, अक्यूट अनॉयंस। तो कहने का मतलब क्या है कि बिटर या साप या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस जो कि कड़वा हो, तीखापन वाला हो, तो आप उसके लिए अक्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें एक लैटिन ओरिजिन का वर्ड है अक्यूटस, और इसका मतलब यहां पर निडल से है, जो कि साप के सेंस में, बिटर के सेंस में या कीन के सेंस में इस्तेमाल हो सकता है। तो तीक्ष्ण, कुशाग्र और धारदार, करवा, जी हाँ, अक्यूट पेन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, अक्यूट अनॉयंस, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो आप इस सेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये नकारात्मक सेंस लेकर के ही आता है, जी हाँ, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हो जाए, कमी हो, बहुत ज्यादा दर्द हो, करवापन वाला हो, वहां पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए, आज का जो अगला वर्ड है यहां पर हमने वो लिया है अक्यूटी, जी हाँ, A-C-U-I-T-Y, और जैसा कि मैंने आपको नाउन सफिक्स पढ़ाने के दौरान ये बताया था कि अगर किसी शब्द में I-T-Y लगा हुआ हो तो वो शब्द नाउन होता है, जी हाँ, और इसी अक्यूट शब्द से बना हुआ है अक्विटी, और इसमें जो लैटिन वर्ड है वो है अक्यूटस, जी हाँ, यहां पर जो वर्ड है वो है अक्यूटस, जिसका सेंस भी निडल ही है, मतलब ये है कि यहां पर ये जो अक्यूट है वो उसी से बना हुआ शब्द है यहां पर अक्यूटी, और इस दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि ये एडजेक्टिव है, मैंने अभी आपको कहा अक्यूट पेन, जी हाँ, अक्यूट अनोयंस, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वॉटर, तो यहां पर हमने इसके बाद एक नाउन रखा, लेकिन यहां जो है ये अकेले खुद में नाउन है, और इसीलिए जो इसका सेंस आएगा वो आएगा तीक्ष्णता, विशेष करके दृष्टि की तीक्ष्णता, सोचने और समझने की जो तीक्ष्णता है उसके लिए हम यहां पर एक्विटी का इस्तेमाल करते हैं। जी हां, एक्विटी, A-C-U-I-T-Y, इसका जो इस्तेमाल होता है वो दृष्टि की तीक्ष्णता, जी हाँ, शार्पनेस के लिए इस्तेमाल होता है, जी हाँ, या फिर बुद्धि की जो कुशाग्रता है, तीव्रता है, तीक्ष्णता है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सुनने की जो तीव्रता है, तीक्ष्णता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, आज का जो अगला वर्ड है वो है अक्यूमन, जी हाँ, अक्यूमन, और यहां पर देखिए कि ये खुद में एक पूरा का पूरा, ऐसे यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं कि ए सी यू रूट इसमें मौजूद है, और ऐसे ये पूरा का पूरा एक रूट ही है अक्यूमन, जिसका मतलब होता है साप या बिटर, जी हाँ, और इसका जो सेंस आता है वो वही आता है तीक्ष्णता से, तीव्रता से, कुशाग्रता से, जी हाँ, कुशाग्र होने से, तीक्ष्ण होने से, तीव्र होने से, लगभग आज के जितने भी वर्ड्स हमने यहां पर रखे हैं उसमें एसी, एसीयू या फिर ACR की मौजूदगी जो है ये बताया कि unpleasant, keen, bitter या साप का सेंस आएगा। तो यहां पर भी जो ये वर्ड है acumen, इसका मतलब भी कुशाग्रता से है, तीक्ष्णता से है, तीव्रता से है। चलिए, आज का जो आखिरी वर्ड हम ले रहे हैं वो है acrid, जी हाँ, acrid, A-C-R-I-D, और इसमें देखिए कि यहां पर जो है ACR आपको आसानी से दिख गया होगा, जी हाँ, आप इस ACR को देखकर ये समझ गए होंगे कि फिर से यहां पर बिटर या शार्प होने का या तीखा या अनप्रेजेंट होने का सेंस यहां पर आएगा। जी हाँ बंधु, तो इसका जो मतलब है वो होता है तीखा से या उग्र स्वभाव से, जी हाँ, उग्र स्वभाव से इसका इस्तेमाल हम इस सेंस में करते हैं, जी हाँ, तीखा से या उग्र स्वभाव से करते हैं। चलिए एक बार फिर से मैं यहां पर रिवीजन कर दूं इसको कि अक्यूट जो है इसका मतलब है जो है तीखापन से है, जी हाँ, उग्रता से है, शार्पनेस से है, बिटर जो अनुभव है जैसे मैंने यहां पर बताया, अक्यूट पेन, अक्यूट अनॉयंस, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, फिर मैंने यहां पर कहा कि अक्यूमन, ये जो है पूरा का पूरा एक लैटिन वर्ड ही है, इसमें रूट ACU मौजूद है और इसका मतलब बिटर या शार्पनेस से है, जी हाँ, कुशाग्रता से है, तीक्ष्णता से है, और ये जो कुशाग्रता या तीक्ष्णता है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, और यहां जो अक्यूटी है ACUITY, इसमें ITY जो है वो आपका नाउन सफिक्स है, जिससे ये क्लियर पता चलता है कि ये शब्द नाउन है, और स्पेशली इसको हम इस्तेमाल करते हैं बुद्धि की तीव्रता, तीक्ष्णता, सुनने में या देखने में, उसके शार्पनेस को बताने के लिए हम एक्विटी का इस्तेमाल करते हैं, और एक्रिड का मतलब है तीखा या उग्र स्वभाव से,
इसमें भी ACR मौजूद है। चलिए आज जो हमने यहां पर वर्ड आपको बताए एसी एसीयू और एसीआर रूट से, एक बार मैं उसको लिस्ट कर देता हूं। जी हां, पहला जो हमने यहां पर पढ़ा वो पढ़ा एसिड, दूसरा पढ़ा एसर्बिक, जी हां, तीसरा पढ़ा एग्जैसबेट, जी हां एग्जैसबेट, चौथा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा एक्रिमोनी, जी हां, पांचवा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा अक्यूट, छठा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा एक्यूटी, सातवां जो हमने पढ़ा वो था अक्यूमेन, और जो आठवां हमने पढ़ा और आखिरी पढ़ा वो था अक्रिड। अब इसमें देखिए कि आप हर शब्द में यहां पर आसानी से देख सकते हैं कि इसमें एसी है, इसमें भी एसी है, इसमें एसी है, यहां पर भी एसीआर इसमें है, एसीयू इसमें है, एसीयू इसमें है, एसीयू इसमें है और एसीआर इसमें है। जी हां, यहां सबका जो मीनिंग है यह है ऐसा लिक्विड जो कड़वा है, खट्टा स्वाद में है और जो जलाने वाला है उसको हम कहते हैं एसिड। एसर्बिक का मतलब भी तीखा कसैला कड़वा से है। एग्जैसर्बेट का मतलब है कि थोरली, जी हां, एसर्बस जो एक रूट वर्ड मैंने यहां पर रूट लैटिन का बताया था कि लैटिन ओरिजिन का वर्ड है एसर्बस, ओ यहां पर जो एक्स है इसका मतलब है थोरली, यानी पूरा का पूरा बिगाड़ देने के सेंस में है। जी हां, बिटर या जो है अनप्लीजेंट कुछ ऐसा कर देना और थोरली कर देना उसको हम कहेंगे एग्जैसर्बेट। इसमें ए टी ई जो है वो वर्ब सफिक्स जो है वो है और बताता है कि ये शब्द वर्ब है। एक्रिमोनी का मतलब भी यहां पर वही है कि टेस्ट में जो है वो कसैला होगा, तीखा होगा, कड़वा होगा। जी हां, यहां पर शार्पनेस या पंजेंट इन टेस्ट की बात मैंने की थी। अक्यूट का मतलब भी जो है तीक्ष्ण कुशाग्र धारदार के सेंस में है और एक्यूटी का मतलब जो है ये भी तीक्ष्णता से है, कुशाग्रता से है और ये बेसिकली देखने सुनने और समझने की बात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अक्यूमेन का मतलब भी जो है बिटर कड़वा कसैला से है और एक्रिड का मतलब भी तीखा या उग्र स्वभाव से है। अब यहां पर मैं इसको एक बार कर दूं, ये है नाउन, जी हां एसर्बिक जो है वो भी है, एडजेक्टिव है और एग्जैसर्बेट जैसा कि मैंने बताया एटी है तो ये जो है ये वर्ब है। एक्रिमोनी जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, अक्यूट जो है वो एडजेक्टिव है और इसमें आई टी वाई लगा हुआ है तो ये नाउन है, और अक्यूमेन जो है ये भी नाउन है और एक्रिड जो है ये एडजेक्टिव है। जी हां, मैं समझता हूं कि अभी जो एसी ACR और ACU से हमने यहां पर वर्ड आपको बताए, उसका सेंस आपको समझाने की कोशिश की, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ ऐसी बात है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें पढ़ाएं, मस्त रहें, खुश रहें। जी हां, कल फिर एक नए एपिसोड में नए रूट वर्ड के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ, कीप रीडिंग कीप प्रैक्टिसिंग, शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।